Subscribe to Nutbolt Bros and press the bell icon button for latest update and notifications. अरे अस्सलामुअलैकुम अस्सलाम चांडियो साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। अच्छा, ये बच्चे सारे एक दूसरे को रंग मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? यार, ये एक बच्चों के लिए एक बड़ा एक यादगार दिन रहता है। ये मुझे इन बच्चों को जब देखा है तो मुझे अपने स्कूल और अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए कि जब आपकी क्लोजिंग होती है, आपका अगर आप प्राइमरी से आप हायर सेकेंडरी को जाते हैं या फिर आप कॉलेज जाते हैं, तो ये इस दिन को मेमोराइज किया जाता है। फिर उसके अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, कुछ इस तरह के कलर्स जो होते हैं, इंक कलर्स होते हैं, उस हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े से बंदा मैच्योर हो जाता है, स्टूडेंट हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो सिग्नेचर्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो मेमोरीज होती है। तो ये दिन लोगों के लिए और बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बड़ा यादगार होता है। मतलब ये बच्चों के जो दिन है बहुत अच्छे दिन है, ये फिर वापस नहीं आएंगे। नेवर कम सके, ये कभी नहीं आएंगे। तो इनको लेट्स देम एंजॉय, इनको एंजॉय करने दें। और लोगों को भी चाहिए इरिटेट ना हो। मैंने भी देखा है कि कुछ लोग जो थे वो इरिटेट हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, तो वो शायद अपने बचपन के दिन को मिस कर रहे हैं या समथिंग एल्स, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मैसेज आपकी तरफ से जा रहा है कि ये बच्चों को ऐसा करने दें, ये दोबारा दिन नहीं आएंगे। दांत तो अच्छे होते हैं। हाँ अनफाल, मुझे ये बताओ आज तुम लोग इंक क्यों मार रहे हो एक दूसरे को? पेपर सही हो गए, इसलिए अब एक दूसरे को इंक मारोगे? हाँ जैसे हमें जिंदगी एक दफा मिलती है, ऐसे ही हमें स्टूडेंट लाइफ एक दफा मिलती है। और जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ जीने का मजा ही कुछ होता है, खासतौर पर जब स्टूडेंट लाइफ का आखिरी दिन हो और उसमें जो हम लोग एंजॉय करते हैं, सबको कलर मारते हैं, बच्चों के साथ बड़ों के साथ एंजॉय करते हैं, जिंदगी के एक यादगार बन जाए। चाहे वो प्राइमरी लाइफ हो, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लाइफ हो, जहाँ भी हमारा आखिरी दिन होता है उसको हम भरपूर नमूने से एंजॉय करते हैं, दूसरे को कलरिंग करते हैं, पानी फेंकते हैं, भागते दौड़ते हैं, जिंदगी की वो यादगार बन जाए। खत्म हो गए? हो गए। अच्छे हो गए? अच्छा। अरे यार ये क्या हुआ है, ये क्या आश्चर्य हुआ है? मेरे भीतर कोटा। ये किसने किया है? बता, एक लड़का था यहीं का। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, एक दूसरे को दे रहे हो? बचपन इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर बुढ़ा, फिर रिटायर, मगर जो बचपन की हरकतें, यादें, वो एंजॉय करने के तरीके कार, वो माजी की यादें, और कलर्स करना शर्ट्स पे, स्क्रेच करना, साइंस करना और एंजॉय करना, वो स्कूल की यादें, वो बचपन की यादें, वो इंसान कभी भी नहीं भूलता। तो कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में ये कलर्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, और ये बचपन
हर उस इंसान को याद आता है जब बड़ा होता है, फिर दोस्तों को सुनाता है। तो बच्चों को एंजॉय करना चाहिए, मूवमेंट लानी चाहिए, और बच्चों का हक है कि पढ़ाई के साथ पहले पढ़ाई फिर उसके साथ एंजॉय करना चाहिए। तो ये बड़ा एक अच्छा बच्चों का एक अपना तरीक़ेकार होता है और हर कोई बचपन को याद करता है, तो ये एंजॉय करना चाहिए। और नट बोल्ट वाले जो एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान सिंध के बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा मैसेज है। और एंजॉय करना चाहिए पढ़ाई के साथ, और अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, और अपना पढ़ाई दिल से करनी चाहिए, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। तो ये हम सबके लिए एक बड़ा मैसेज है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ छोटे बच्चों को जो एंजॉय करते हैं और ऐसे ही एंजॉय करते रहें और पढ़ते रहें और अपने माँ बाप की इज्जत करते रहें और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। आई लव यू माई ऑल फ्रेंड, और खास करके छोटे क्यूट से बच्चे। बचपन के दिन बड़े अच्छे दिन होते हैं, यादगार दिन होते हैं। और मैंने कल देखा कि स्कूल के बच्चों के एग्जाम हो गए, तो उन्होंने एग्जाम के बाद जो खुशियां मनाई है ना, वो मेरी आंखों से देखी। मैंने देखा कि वो एक दूसरे को लगा रहे थे, रंग लगा रहे थे, मौज मस्ती में थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अपना बचपन याद आ गया। वो कागज की कश्ती याद आ गई, वो बारिश का पानी याद आ गया, वो अम्मा की डांट याद आ गई, वो बाप का प्यार याद आ गया, टीचर्स की मोहब्बत याद आ गई। ये दिन होते हैं एंजॉय करने के, शरारतें करने के। बच्चों को मना नहीं करना चाहिए, शरारतें करनी चाहिए, मेमोरीज होती है। आगे चल के जब ये जवानी के स्टेप पे आ जाएंगे, ये जब जवानी में कदम रखेंगे ना, तो इनको ये दिन बहुत याद आएंगे। इनको रोकिएगा, शरारतें लाजमी है, पढ़ाई भी लाजमी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ शरारतें करना लाजमी है। बच्चा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुझी है। इधर आओ तो बता दो। अच्छा ये पेपर हो गए? हाँ। पेपर अच्छे हो गए? हाँ। अच्छा इसलिए आज जश्न मना रहे हो? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शायक नारेज हूँ। आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक मकसद है। मकसद ये है कि कल मैं कहीं से गुजर रहा था, तो वहाँ पे कुछ बच्चों को देखा जो अपनी मस्ती में मस्त थे, और मैं भी वहाँ पे खड़ा हो गया तो देखना शुरू कर दिया। तो बच्चों को ये देखा कि वो एक दूसरे को इंक लगा रहे थे, तो मैं समझ गया कि आज इनका लास्ट पेपर है और ये आज अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे को कलर लगा के कर रहे हैं। तो वहीं पे कुछ लोग मैंने ये देखा कि कुछ पेरेंट्स थे, वो नाराज हो रहे थे। वो कह रहे थे कि यार क्या हो रहा है, ये बच्चे एक दूसरे को कलर क्यों लगा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ उनको ये कहा, सर जी आज उनकी खुशी का दिन है, आज उनकी सेलिब्रेशन का दिन है, ये एक छोटी छोटी यादें होती है, ये एक मेमोरीज होती है। तो उनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए। तो हमने बोला हमने भी ये वक्त गुजारा है, फिर आगे एक वक्त आ जाता है, फिर हम कॉलेज में चले जाते हैं, फिर मैच्योर हो जाते हैं, फिर एक दूसरा सीन ऑन हो जाता है जिसमें शर्टों पर सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी आज़ादी है, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो बच्चे अपनी सच्चाई से करते हैं, अपने मन से करते हैं। तो बराए मेहरबानी बच्चों को खुशियाँ दीजिए, बच्चों को ऐसी सेलिब्रेशन दीजिए, और बच्चों के लिए ध्यान कीजिए, क्योंकि बच्चे हमेशा, वो कहते हैं ना, बच्चे एक फरिश्ते होते हैं। तो जब तक उनकी स्कूल लाइफ है, जब तक वो ऐसे कुछ काम काज कर रहे हैं, तो उनको बर्डन मत दीजिएगा और उनको ऐसी खुशियों में ज़रूर खुश हुआ करें, उनका साथ दिया करें। आज पेपर खत्म है। पेपर खत्म है, अच्छे हो गए पेपर? जी बिल्कुल। अच्छा इस खुशी में कर रहे हो, तो ये यूनिफॉर्म भी खत्म, पेपर भी खत्म? नहीं, यूनिफॉर्म धुलता है। अच्छा। हाँ इरफान शेख साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि ये एक अच्छी फीलिंग है, जब स्कूल ऑफ होते हैं या कोई पेपर ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। उसके बाद इंसान अपने आप को आज़ाद समझता है। हमें भी यही फीलिंग्स होती थी जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे या यूनिवर्सिटी में थे,
जब हमारे एग्जाम खत्म हो जाते तो बहुत अच्छा लगता था, हम सारे दोस्त एंजॉय करते थे। ये बच्चे हैं एक दूसरे के कपड़े खराब करते तो ये अच्छी बात है, ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग कलर नहीं होता कि ना उतरे, ये उतर जाता है, इसमें मसला नहीं। लेकिन इसमें इस कलर्स में उनकी फीलिंग, उनकी खुशी और उनकी आज़ादी चिमटी होती है ना, जो सबको पता चलता है, हमें भी पता चलता है। बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि ये सबको करना चाहिए, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत अच्छा है। इधर आओ बच्चा, इधर आओ बच्चा। पेपर हो गए अच्छे? हो गए? कोई पेपर रहा तो नहीं ना? नए साल में नई यूनिफॉर्म, ये धुल जाती है ना? नहीं, ये काली है। काली है, ये धुल जाएगी बेटा। अच्छा, कौन सा लगाओ? भाई क्या हुआ? अनपाल, हाँ भाई तुम्हारा यूनिफॉर्म सही है, बेहतर है। हाँ भाई पेपर खत्म हो गए? हाँ। हेलो नटवर्ल्ड, पेपर खत्म? ये क्या किया कपड़ों के साथ? बच्चों ये तुमको नीला किसने किया है भाई? ये नीला किसने किया आपको? क्लास 8 के बच्चों ने। क्लास 8 के बच्चों ने आपको नहीं किया? किया है। ये आपके कपड़े किसने गंदे किए? इसने। ये विलन है क्या? विलन है? आप विलन हो? तुम हीरो। अच्छा सही। अच्छा सुनो, ये कपड़े आप घर जाओगे मम्मा तो मारेगी? नहीं, नए साल में चेंज करेंगे। चेंज करोगे? बेटा नया साल, नया क्लास, नए कपड़े। अच्छा आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम, आप किस क्लास में हो? फाइव सिक्स में। अच्छा